नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अब्रारक्रहानी ब्रजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ इस वक्त भी जंतर मंतर पर महिला पहलवान अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं दरअसल सरकार का जो रवैया है इस पूरे मामले पर उस पर कहीं कही ना कहीं शक की सुई जो है वो जाती है क्योंकि खिलाड़ियों का ये सीधे तौर पर कहना है कि बीजेपी के सांसद है और इस लिहाज से सत्ता में उनका एक भारी वर्चस्व है और इस वजह से कहीं कही ना कहीं उनके खिलाफ उस तरीके से कार्रवाई करने में सरकार जो है वो हिचक रही है इस वक्त नारको टेस्ट वाली जो है बात काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने बात कही थी कि अगर खिलाड़ियों को इस बात का डर है या इस तरीके के संकेत या संदेह की बात करें है तो वो जो है नार्को टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार है और इस बयान के देने के बाद इसके पलटवार के तौर पर बजरंग पुनिया ने भी ठीक इस तरीके का ही बयान दिया उनके द्वारा कहा गया कि अगर ब्रजभूषण चरण सिंह यह दावा कर रहे हैं कि वो नारको टेस्ट करवाएंगे और अगर इस तरीके की इच्छा है खिलाड़ियों की तो वो इस बात को कहें वो तैयार हैं तो बजरंग पुनिया ने यह कहा इसके जवाब में कि खिलाड़ी भी अपने नारको टेस्ट को करवाने के लिए तैयार है और साथ ही एक बड़ी शर्त रख दी कि मात्र जो है ब्रजभूषण शरण सिंह का ही नार्को टेस्ट नहीं बल्कि जो है उन खिलाड़ियों के कोच का भी होना चाहिए तो अब सवाल ये है कि ये जो बयानबाजी का दौर चल रहा है दोनों ही पक्ष की ओर से क्या नार्को टेस्ट का किया जाना ये विक्टिम खुद से तय कर लेगा क्योंकि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट अपने पक्ष को रखेगा और कोर्ट जब तक इस पूरे मुद्दे पर यह आदेश नहीं पारित करता कि टेस्ट होगा या नहीं होगा तब तक इस पूरे मामले में नार्को टेस्ट करवाने की बात जो कही जा रही वो बिल्कुल बेमान है यानी कुल मिलाकर के राजनीति से प्रेरित है अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर जो है आने वाले समय में, में क्या सारे जो है चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है और क्या वाकई नारको टेस्ट होने के बाद कई बड़े खुलासे होने जा रहे हैं इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट न्यूज़ को धन्यवाद